चल भी जाएगा, दोस्त ठीक होने का 60-70% चांस है। ये अच्छा, नहीं मैं मतलब कि रेनेफ्लोजिस्ट मिला था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, खत्म हो सकता है। सही बोले, लेकिन आपको प्रोफाइलेक्टिकली पानी का ध्यान रखना चाहिए और खाना पीना। पानी मुझे कितना पर डे 24 आवर में पीना है डॉक्टर साहब? आप अपना पेशाब को सफेद रखिए, जितना पानी रिक्वायरमेंट चाहिए। मैं लगभग 3.5 से 4 लीटर पीता हूँ। आप नापना पेशाब का वॉल्यूम आप मत देखिए, आप पहले पेशाब का कितना क्लियर होना चाहिए, पीला नमक रखिए। अच्छा, तो कोई खतरा कॉम्पिटिशन हम लोअर पोल में कोई खतरा तो है नहीं, हमें इतना खतरा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। लेकिन आप ध्यान रखना, प्रोफाइलेक्टिकल ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। नहीं बनेगा तो नहीं भाई, हम कम रेंज में बताते हैं, इसमें खाना नहीं हो पाएगा, फिर बार बार वही खाना पड़ेगा रोजाना। अरे तो देखो ना, कम रहता है तो ठीक रहता है, ज्यादा व्यंजन जब आ जाता है ना, समस्या तो वही होती है। वो बनाओ ये बनाओ, जैसे कपड़े ज्यादा हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता, ऐसे तो 4 के बाद आपको फिर कम आ जाता है कि अच्छा ये 3 पहन चुके तो ये 4था पहनेंगे और फिर पहला वाला आ जाएगा। अब उसमें जब ढेर सारा जो पिरामिड बन जाता है उसके बाद तो दिक्कत होती है, लेकिन फिलहाल उसके बाद जिसमें दिक्कत आती है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो दिक्कतों को सब पीछे छोड़ छाड़ के आगे बढ़ी उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं बुआ जी जहाँ चाह वहाँ राह। जी तो... बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गई, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गुंजा दिया।